चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही पुराना टॉपिक मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि इस टाइम हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करवा दिया था, समझा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि हमें उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, चलिए पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो संख्याएं यूज होती हैं, जिनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, वो क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग क्या आती है इसमें, अभाज्य संख्याएं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक से अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं केवल, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वह पूर्ण संख्याएं जो एक से अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या होता है, वह पूर्ण संख्याएं जो वन से एवं स्वयं से विभाजित होते हैं, आज अभाज्य संख्याएं हमारी होती कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19। और इसके आगे और भी होती हैं हमारी, जो मतलब या तो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग बढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं हमने जान लिया, अब क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा। जो परिभाषा हम लोगों ने गुणनखंड की पढ़ी थी, वही परिभाषा इस पे भी लागू होती है। क्या परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, गुणज होता है। और जिन दो संख्याओं का गुणा किया जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। क्या बताया हमने, जिन संख्याओं को गुणा किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। और यदि ये जो गुणनखंड वाली संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हो, तो वह गुणनखंड क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। और जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं, वो क्या होती है, गुणनखंड होती है। और जो संख्याएं होती हैं जिनका गुणा किया है, यदि वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, अगर ये संख्याएं हैं हमारी, तो वो कौन सा गुणनखंड कहलाता है, हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब हमने पढ़ लिया अपना अभाज्य गुणनखंड, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज
5.2 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा 72। आवाज गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको सबसे छोटी संख्या आभाज संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं या कट करते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 है, इसको सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे, सबसे पहले क्या आता है 1, और लेकिन 1 से कभी कट नहीं करते हैं। किससे कट करेंगे हम लोग, 2 से कट करेंगे। तो जब 2 से हम लोग क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 से हमने 72 को डिवाइड किया, 2 3 6, 1 बचा, 2 को उतारा, 12 हो गया, 2 6 12, कट गया ना, क्या आया हमारा 36 आया। अब 36 आया है, अब हम लोग फिर से दोबारा से एक बार इसको इससे 2 से कट करके देख लेंगे। अगर 2 से ये कट जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं कटता है तो हम लोग नेक्स्ट डिजिट से इसको कट करेंगे। 2 से कट करेंगे 36 को, 2 1 2, 3 में 2 गया 1, 6 उतारा 2 8 16। देखिए मेरा पूरा कट गया है ना, आंसर में 0 आ रहा है ना, तो ये कितना है 18 आ जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब फिर से 2 से इसको हम लोग कट करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 18 को, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 2 9 18 कट गया। तो ये हमारा क्या है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब 18 को कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब क्या 2 से 9 कटता है, नहीं कटता। देखिए जाए, 2 से जब हमने 9 को कट किया, 2 4 8, 1 बचता। जब रिमाइंडर में कुछ बचता है तो इसका मतलब कि वो संख्या जिससे हम इसको कट कर रहे हैं वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो अब हम किससे इसको कट करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 3 9, देखिए 3 से 9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 कितने टाइम्स गया, 3। तो जितने टाइम्स ये जाता है वो संख्या यहाँ पर आ जाती है। और हम ये तब तक ये प्रोसीजर करते चले जाते हैं जब तक कि हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब हम किससे कट करेंगे, 3 तो 3 से ही कटता है, तो 3 1 3। अब देखिए मेरा 1 आ गया, ये लास्ट में ये जो 1 आया है इसका मतलब होता है कि अब ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 72 के गुणनखंड क्या क्या है हमारे, 2 2 2 3 3, मतलब कि ये जितनी संख्याएं हैं हमारी, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, 72 के आभाज गुणनखंड हैं। क्या है ये, 72 के आभाज गुणनखंड हैं। चलिए अब हम अपना सेकेंड सम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। तो चलिए 84 के गुणनखंड करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले किससे कट करते हैं, 2 से। 2 से हमने 84 को कट किया, चलिए डिवाइड करते हैं, 2 4 8, कट गया, 4 को उतारा, 2 2 4, कट गया। कितना आया हमारा, 42। 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 42। अब हम लोग इसको फिर से एक बार 2 से कट करके देखेंगे, अगर ये 2 से कट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं कट होता तो हम लोग इसको 3 से कट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 2 से हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 2 2, कितना आ गया, 21। 2 से हमने 42 को कट किया तो क्या आ गया, 21। अब 21 क्या हमारा 2 से कटेगा, चलिए देखते हैं जरा करके, 2 1 2, तो कट गया, जो 1 बच रहा ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब ये 21 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग इसको किससे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 7 21, कट गया।
कितनी बार गया? 7 टाइम्स गया, 7 आ गया। अब हम लोग इसको किससे कट करेंगे? 7 से कट करेंगे, क्योंकि 7 तो 7 की टेबल में ही आता है। 7 से कट गया तो 7 बन जा 7। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको तब तक कट करते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। तो अब हम इसके क्या लिखेंगे? आवाज गुणनखंड 84 के, 84 की आवाज गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 7, मतलब कि ये जो हमारे आए हैं ये हमारे क्या है? आवाज गुणनखंड है। अब हम लोग अपना सी सम देखेंगे, मतलब थर्ड सम देखेंगे। सॉल्यूशन 108 यानी कि 108। चलिए इसको अब हम लोग आवाज गुणनखंड इसके निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो आप लोग को पता ही है। 2 से पहले इसको कट करेंगे, 2 5 10, 8 को उतारा, 2 4 8, कितना आया? 54। अब 2 से किसको डिवाइड, फिर से हम लोग 54 को एक बार डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 1 बचा, 4 उतारा, 2 7 14, कट गया। जब तक हमारा रिमाइंडर में 0 नहीं आता है हम लोग इसको कट करते रहते हैं। कितना आया 2 से कट करने पर? 27 जो हमारा आया है, क्या ये 2 से कटेगा? चलिए देख लेते हैं एक बार कट करके। 2 1 2, 7 उतारा, 2 3 6, 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, इसका मतलब कि ये 2 से नहीं कटेगा। किससे कट करते हैं? करेंगे आप 3 से, 27 को, 3 9 27, कितना आ गया? 9। अब 9 को किससे कट करेंगे हम लोग? 3 से फिर से कट करेंगे, तो 3 3 9, तो 3 से जब इसको 9 को कट करेंगे तो कितने टाइम्स गया है? 3 टाइम्स। अब 3 तो 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 1 3। हमने आप लोग को अभी बताया था कि लास्ट में जब तक 1 नहीं आता है हम लोग सॉल्व करते रहते हैं इसको। अब हम लोग अपने आवाज गुणनखंड लिख लेते हैं। क्या है हमारे? 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये जो हमारे आ गए ये हमारे क्या है? आवाज गुणनखंड है। अब हमारा डी सम हम लोग देखेंगे। फोर्थ सम है हमारा 132 के। चलिए आवाज गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 3 में 2 गया 1 1 2 उतारा, फिर 2 6 12, कट गया। तो कितना आया? 2 से कट किया तो हमारा क्या आ गया? 66। अब 2 से फिर से 66 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, कट गया, फिर से 6 उतारा, 2 3 6, कितना आ गया? 33। अब जो 33 है वो किससे कटेगा हमारा? 2 से तो कटेगा नहीं। 2 से 33 में बार डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2, 1 बचा, 3 उतारा, 2 6 12, 1 उतारा, तो ये 1 जो रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब हमारा ये 2 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से काट के देखते हैं। 33 3 1 3, कट गया, फिर से 3 उतारा, 3 1 3, तो किससे कितना आया हमारा? 11 आया। 11 क्या किसी से कटता है? ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो या तो स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। तो ये 11 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, तो इसको किससे काटेंगे हम लोग? 11 से ही काटेंगे, तो 11 बन जा 11। अब हमारा क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड इसके लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 11। तो चलिए ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ई नंबर देखते हैं। सॉल्यूशन नेक्स्ट है हमारा 128। तो चलिए 128 को हम लोग अब इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किससे कट करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से 128 को डिवाइड किया, 2 6 12, कट गया, 8 उतारा, 2 4 8, कट गया। कितनी बार, कितना आया हमारा? 64।
अब हम 64 को किससे कट करेंगे, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 4 उतारा, 2 2 जा 4, कितना आया 32। अब 2 से 32 को कट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 उतारा, 2 6 जा 12, कितना आया 16। अब 16 2 के टेबल में आता है ना, 2 से 16 को जब हम लोग कट करते हैं तो कितनी बार जाता है, 8 टाइम्स जाता है, 2 8 जा 16, तो क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब फिर से 2 से 8 को कट करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है ना, 2 से 8 को कट डिवाइड किया, 2 4 जा 8, कर दिया कितना आया 4 आया। फिर 2 से हमने 4 को कट किया, 2 2 जा 4, कैसे आया 2, 2 से जब हमने 4 को डिवाइड किया कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया और 4 आ गया, कितना आया 2। तो चलिए अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और ये लास्ट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 1 आ गया है। अब 128 पे हम लोग गुणनखंड लिखेंगे, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे क्या आ गए, इसके आवाज गुणनखंड आ गए। अब इसमें इसी पर बेस्ड और भी सम्स है, इन्हीं के बेसिस पे आप उनको भी सॉल्व करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे।